हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने फॉरएवर से कॉम्बो परचेज करके आपने अपने 2cc लेवल को क्वालिफाई किया है और आपने अपने सपनों को पूरा करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि 2cc वही पर्सन करते हैं जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेकर सीरियस होते हैं और अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, राइट। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो सारे प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं, ये सारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं, तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको पूरा सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सारे प्रोडक्ट्स के फायदे क्या क्या हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो जिन्होंने भी आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया है या जिन्होंने भी आपको फॉरएवर से इंट्रोड्यूस करवाया है, उनको एक बार दिल से थैंक यू जरूर बोलना यार, क्योंकि उन्होंने ही आपको फॉरएवर से कनेक्ट कराया, उन्होंने ही आपको फॉरएवर के बारे में बताया। सोचो अगर आज आपके पास फॉरएवर नहीं होता तो क्या कर रहे होते आप, है ना। तो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपकी अपलाइन ने आपको दिया है, तो उनके लिए आप हमेशा थैंकफुल रहना, ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस करके आप ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं सारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में। सो एलोवेरा जेल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है ना, उसमें 99% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कलरिंग, फ्लेवरिंग या आर्टिफिशियल चीजें नहीं मिलाई जाती है, 100% नेचुरल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एलोवेरा जेल जो है हमारे बॉडी में काम कैसे करता है, ठीक है। देखो हमारा जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है वो बेसिकली 6 stages में वर्क करता है जब हम एलोवेरा जेल को पीना शुरू करते हैं। जब हम एलोवेरा जेल को पीते हैं तो सबसे पहला जो एलोवेरा जेल का काम होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन्स जमी होती है सबसे पहले वो उसको रिमूव करने का काम करता है, क्योंकि बीमारियों का जो सबसे बड़ा जो जड़ है ना वो टॉक्सिन्स होता है, ठीक है। तो एलोवेरा जेल सबसे पहले क्या करता है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये क्या करता है, इंटेस्टाइन से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, फिर हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करता है, उसके बाद हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, लंग्स, लीवर, किडनी, उसमें भी जितने भी तरह के जो टॉक्सिन्स जमे होते हैं उसको भी रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट हो गया डिटॉक्सिफिकेशन का। दूसरा जो एलोवेरा जेल काम करता है वो करता है एब्जॉर्प्शन पावर को इंक्रीज करता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं उसके बाद ना बहुत अच्छे तरीके से पचना शुरू हो जाता है, मींस हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तीसरा जो एलोवेरा जेल का काम है वो है नरिशमेंट करने का, मींस हमारे बॉडी में डेली बेसिस पे जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारा एलोवेरा जेल हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। अगर मैं बताऊं तो एलोवेरा जेल में ना 12 तरह के विटामिन्स होते हैं, 20 तरह के मिनरल्स होते हैं, 18 तरह के अमीनो एसिड्स, 9 तरह के एंजाइम्स और 13 तरह की एंटी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बॉडीज को एलोवेरा जेल प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है जिसको भी जितने भी न्यूट्रिशंस की जो प्रॉपर जरूरत होती है वो एलोवेरा जेल अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है, अगर हम एलोवेरा जेल को यूज करते हैं। चौथा जो एलोवेरा जेल का काम है वो है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। हमारे जो इम्यून सिस्टम है जिसको पेट का डॉक्टर भी बोलते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना तो हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है, ठीक है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं पांचवा जो काम है वो है आर3 फैक्टर। आर3 फैक्टर का मतलब क्या होता है, रीजनरेट ऑफ हेल्दी सेल्स। हमारे बॉडी में डेली बेसिस पे नए नए सेल्स को बनाता है, रिमूव डेड सेल्स। हमारे बॉडी में क्या होता है, डेली बेसिस पे ना हमारे सेल्स मरते हैं और उसको हमारे बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो सेल्स हमारे बॉडी से नहीं निकलेंगे तो वही सेल्स क्या होता है ना, कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होता है, जिससे हमें कैंसर जैसी डिजीज हो जाती है। तो वो क्या करता है, एलोवेरा जेल हमारे डेड सेल्स को भी रिमूव करता है। रिपेयर ऑफ अनहेल्दी सेल्स मतलब हमारे बॉडी में डेली बेसिस पे क्या होता है ना, हमारे सेल्स ना मरते हैं, टूटते भी हैं बहुत सारे, तो जो अनहेल्दी सेल्स होते हैं उसको भी रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। एंड 6 जो बेनिफिट है एलोवेरा जेल का वो है एंटी एजिंग। मींस जब हम एलोवेरा जेल को पीना शुरू करते हैं ना तो क्या होता है, एलोवेरा जेल हमें एंटी एजिंग मोड पे लेके आ जाता है। मींस हम ज्यादा एज के भी हो जाते हैं तो भी हमारी जो हम जो दिखते हैं ना बहुत कम एज के दिखते हैं, एज होने के बाद भी हमारी जो एज है बहुत कम दिखती है। इसका मतलब होता है एंटी एजिंग का, मतलब अगर आप 50 साल के हो इसका मतलब है कि आप ना 30 या 35 के दिखोगे जब आप एलोवेरा जेल को कंटिन्यू बेसिस पे अगर आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था एलोवेरा जेल का काम, जो कि बेसिकली 6 stages में काम को करता है जब हम एलोवेरा जेल को यूज करते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि अगर आप हेल्दी पर्सन हो, मतलब अगर आपके बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का बीमारी नहीं है, तो अगर आप एलोवेरा जेल को यूज करते हो तो आपके बॉडी में क्या क्या बेनिफिट करेगा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसको बैलेंस करके रखेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखेगा। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी लाइफ में ब्लड मतलब शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, मींस डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको भी मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे तेल की चीजें खाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो उसको बढ़ने नहीं देगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ठीक है। उसके बाद ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे ना फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं हमारे बॉडी को, तो उससे भी प्रोटेक्शन देगा आपको। उसके बाद बैक्टीरिया से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके बॉडी को। स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी प्रोटेक्ट करेगा, उसको भी कम करेगा। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी बॉडी में आपका कोई भी बीमारी नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एलोवेरा जेल को अगर आप यूज करोगे तो आने वाले टाइम में अगर कोई भी बीमारी अगर आपकी बॉडी में क्रिएट हो रही होगी, कोई अगर बॉडी में अगर कोई आपका बीमारी जन्म ले रहा होगा तो उसको भी अंदर ही अंदर खत्म कर देगा, तो वो सोचो कितनी अच्छी बात है। तो ये आपको भी यूज करना चाहिए, अगर आप हेल्दी हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो भी आपको
एलोवेरा जेल जरूर यूज करना चाहिए। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा फॉरेवर का एलोवेरा जेल कौन कौन से बीमारी में भी काम करता है। सबसे पहले गैस्ट्रिक की अगर प्रॉब्लम है उसमें भी काम करता है एलोवेरा जेल, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें भी एलोवेरा जेल बहुत अच्छा फायदा देता है। शुगर वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, अमृत के लिए, अमृत के समान है। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बीपी पेशेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इंटेस्टाइन अल्सर अगर किसी को हो चुका है, अगर आंतों में अगर अल्सर हो गया किसी का, उसमें भी एलोवेरा जेल अगर आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आपका अल्सर ठीक हो सकता है। एचआईवी पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। कैंसर पेशेंट अगर इस प्रोडक्ट को यूज करता है तो उसका कैंसर भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा करेगा। अगर किसी को वेट लूज करना है तो उसमें भी एलोवेरा जेल का बहुत बड़ा रोल है वेट लूज करने में। अगर आप एलोवेरा जेल को प्रॉपर यूज करते हो तो आपका वेट लूज भी हो सकता है। ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जीज, अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जी है आपके बॉडी में या किसी तरह का इन्फेक्शन है, अगर आप एलोवेरा जेल को यूज करो तो उस एलर्जी और इन्फेक्शन को भी खत्म कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम रहती है तो आप एलोवेरा जेल को यूज करो, इससे भी आपका प्रॉब्लम जो है खत्म हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको एलोवेरा जेल की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एलोवेरी नेक्टर के अंदर में 90% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है, प्लस इसमें 10% में होता है एप्पल और क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट मींस जूस होता है, जो कि इसमें फाइबर में मिलाया है, जिसकी वजह से एलोवेरी नेक्टर जो है ना एक एडवांस और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाती है। अगर मैं बताऊं एलोवेरी नेक्टर जो है ना एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलोवेरी नेक्टर को एक हेल्दी बॉडी वाले पर्सन को क्यों यूज करना चाहिए जिनके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है। देखो अगर आपके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है तो आपको एलोवेरी नेक्टर क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब इसको यूज करते हो सबसे पहली चीज तो आपको लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट और आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। मीन्स क्या होता है, देखो अभी जो हमारा खान पान है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, ठीक है, अगर आज आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं है बहुत अच्छी बात है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको इन फ्यूचर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि हमारा हवा, पानी और भोजन पूरी तरीके से अशुद्ध हो चुका है, राइट, तो इन फ्यूचर होने की संभावना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कभी भी लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो आपको एलोवेरा नेक्टर डेफिनेटली यूज करना चाहिए। ये आपको मतलब इंश्योरेंस कर देगा अगर मैं बात बोलूं तो, ठीक है। अगर आप एलोवेरा नेक्टर को यूज करते हो आपके लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट को ना इंश्योरेंस कर देगा। आप एक चीज सोचो, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग्स, लीवर, किडनी और हार्ट, आपको पता है इनके फूड क्या है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि लंग्स, लीवर, किडनी का भोजन क्या होता है, राइट, हमें पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लेकिन अगर हम एलोवेरा नेक्टर को यूज करते हैं ना तो इसमें जितने भी विटामिन और मिनरल्स है और जो भी लीवर, किडनी और हार्ट को जितने भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो भी उसका भोजन है, ये पूरा कर देगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी भी आपका स्किन पे डल नहीं पड़ेगा, आपके स्किन में कभी मतलब फुंसी वगैरह नहीं होगी, आपका स्किन में कभी दाने वगैरह नहीं होगा, हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कभी बाल झड़ेंगे नहीं, कभी बाल नहीं पकेंगे आपको, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम का मतलब हमारे पेट का डॉक्टर। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना तो हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं आ सकता, राइट। उसके बाद ये यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, मीन्स आपको कभी भी पथरी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये किसी भी एज के गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो गर्ल्स एंड वुमेन्स के अंदर ना बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करती। अगर वो इसको यूज करते हैं ना तो अंदर ही अंदर वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन करके रखता है। अगर आप इसको, इस एलोवेरा नेक्टर को अगर आप यूज करते हो तो आपको एक तरीके से एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, ठीक है। आपके ब्रेन फंक्शंस को भी इंप्रूव करता है, सोचने समझने की शक्ति को भी इंप्रूव करेगा, आपके लर्निंग और कॉन्सेंट्रेशन पावर को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को भी डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को यूज करवा सकते हैं, अगर आप चाहते हो उनका लर्निंग और कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये हमारे नए नए ब्लड्स को भी बनाने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है ना हमारे बॉडी में ब्लड्स को भी बनाता है और ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, एलडीएल को हाई करता है, एलडीएल का मतलब एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, इसको बढ़ाता है, और एचडीएल को डाउन करता है, एचडीएल जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट करता है, उसको ये डाउन करने का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, आपको कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। बीपी लेवल को भी मेंटेन करके रखता है, बीपी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी अगर आप इसको यूज करते हो। आज के टाइम पे शुगर और जो बीपी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, अगर आप चाहते हो कि आपको कभी शुगर और बीपी की प्रॉब्लम ना हो तो आप इस नेक्टर को डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर हम इससे बच्चों को यूज करवाते हैं तो उसका मेंटल विकास और फिजिकल विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, ओके। और ये मेल और वुमेन दोनों के फर्टिलिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है, ओके। और ये कैंसर, फ्री रेडिकल्स, बैक्टीरिया और वायरस से भी आपकी बॉडी को बचाने का काम करता है, और बहुत सारे इन्फेक्शन और एलर्जी से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये भी इतने सारे बेनिफिट्स, अगर आपके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में कभी कोई बीमारी ना आए, तो आपको आज से ही एलोवेरा नेक्टर को यूज करना चाहिए, ठीक है, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी यूज करवाना चाहिए, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कि एलोवेरा नेक्टर को हम कौन कौन से डिजीज में हम इसको दे सकते हैं एलोवेरा नेक्टर को। सबसे पहली चीज तो वुमेन्स और गर्ल्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें हम दे सकते हैं, जैसे यूटीआई प्रॉब्लम, खून की कमी, एनीमिया, पीरियड्स पेन, लिकोरिया, थायराइड और फर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम अगर किसी लेडी को है तो उसमें हम इस एलोवेरा नेक्टर को यूज कर सकते हैं। किडनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक किडनी स्टोन, इन्फेक्शन हो गया या यूरिक प्रॉब्लम, यूरिक एसिड बढ़ गया, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो हम एलोवेरा नेक्टर को दे सकते हैं। लंग्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, फेफड़ों से रिलेटेड, लाइक अस्थमा हो गया, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम हो गई है ना, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया या लंग्स में सूजन हो जाती है या किसी
टीबी और निमोनिया की प्रॉब्लम है उसमें भी हम एलोवेरी नेक्टर को दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसकी। लीवर से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, लाइक किसी की लीवर फैटी हो गया, लीवर में इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर एक बोलूँ जॉन्डिस जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये एलोवेरी नेक्टर उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेन से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, लाइक हेडेक है, माइग्रेन या अल्जाइमर है, मतलब किसी को भूलने की प्रॉब्लम है, या किसी को मिर्गी है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप एलोवेरी नेक्टर को आप दे सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। स्किन से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, लाइक एक्नी हो गया, इचिंग हो गया, एक्जेमा या सोराइसिस से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्जेमा और सोराइसिस की प्रॉब्लम है किसी को भी, तो आपको एलोवेरी नेक्टर डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्लड से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, लाइक किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, या ब्लड कभी कभी ना टॉक्सिकेटेड हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती है, ठीक है, तो उसमें भी हम एलोवेरी नेक्टर को हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो ये मैंने जितने भी आपको बीमारियों का नाम बताया है इन सभी बीमारियों में आप एलोवेरी नेक्टर को आप दे सकते हो, इससे क्या होगा कि उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस बीमारियों से ओवरकम करने का, ठीक है। अगर मैं फॉरएवर एलो पीचेस की बात करूं तो इसमें 90% में होता है स्टेबलाइज एलोवेरा जेल और 10% में होती है पीचेस जो कि इसको एडवांस प्रोडक्ट्स बना देती है। देखो एलो पीचेस जो है बेसिकली दो चीजों के लिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपके आंखों के लिए और दूसरा है एक बच्चों के ग्रोथ के लिए, ये दो चीजों के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लिटरली, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको आंखों में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, आप उसके लिए आप यूज कर सकते हो। आप देखते हो आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को ना चश्मे लग जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप यूज करवा सकते हो, ये ना छोटे बच्चों के मतलब मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है आज के टाइम पे हम अपने बच्चों को बहुत सारे न्यूट्रिशंस वाली फूड ना दे नहीं पाते हैं और ना ही वो खाते हैं, हरी साग सब्जियां भी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट्स को एलो पीचेस को अगर हम अपने बच्चों को देना शुरू करते हैं ना तो उनके बॉडी में किसी भी तरीके के न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी और इन फ्यूचर जो उनके बॉडी में कोई भी बड़ी बड़ी बीमारी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने बच्चों को यूज कराते हो घर में, और ये बच्चों को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कंपनी ने बहुत ही सोच समझकर एलो पीचेस को बनाया है क्योंकि ये मेनली बच्चों के लिए है, ऐसे कि ये किसी भी एज का पर्सन ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेनली ये बच्चों को प्रीफर करना है, ठीक है, बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको कॉन्स्टिपेशन में भी यूज कर सकते हो, आप इसको इंडाइजेशन में भी आप यूज करते हो, मतलब एलोवेरा के जितने भी आप बेनिफिट्स जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, एलोवेरा का जितना भी फायदा है वो सारा फायदा एलो पीचेस देगा, बट इसमें पीचेस को कंपनी ने मिलाया जिसकी वजह से क्या है कि ये दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एक आपके आंखों के लिए, ठीक है, और दूसरा बच्चों के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, ठीक है। और इसके आप जैसे इसमें लिखा है कि आप अस्थमा में भी आप इस प्रोडक्ट्स को दे सकते हो, अस्थमा में भी बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा, और स्मोकर्स जो लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप उनको भी ये प्रोडक्ट सजेस्ट करो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप अपने घर में अपने बच्चों को आप यूज कराएं, आप भी यूज कर सकते हो, और आप इस प्रोडक्ट्स को आप अपने आसपास के फैमिलीज में भी आप शेयर करो ताकि वो भी आप अपने बच्चों को यूज करवा सके, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों को ना न्यूट्रिशंस की बहुत ज्यादा कमी है जिसकी वजह से ना उनको बहुत कम एज में चश्मे लग जाते हैं, उनका मेमोरी लॉस हो जाता है, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट्स को अगर हम बच्चों को देते हैं ना तो उनका 100% पढ़ने में मन लगेगा क्योंकि उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छा तरीके से हो जाएगा, ठीक। सो अब हम बात करते हैं फॉरएवर एलो मैंगो के बारे में। अगर एलो मैंगो की बात करूं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी की क्लींजिंग करता है, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारे आंखों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, ठीक है। हमारे हार्ट, लीवर, किडनी और लंग्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है, ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बीपी को कंट्रोल करता है, अगर किसी को अस्थमा हो चुका है उसमें ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, किसी को खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। डायरिया, स्टोमक पेन या मलेरिया जैसे किसी को अगर प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एलो मैंगो। तो डेफिनेटली आपको ये एलो मैंगो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और अपने फैमिली में भी यूज़ करवाना चाहिए। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो इंडिया का लगभग 10-15% जो जनसंख्या ऐसा है जिसको ना जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जो कि जॉइंट प्रॉब्लम के शिकार हैं। इसमें बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, यूथ भी है, इसमें हर एक कैटेगरी का पर्सन इसमें शामिल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। और इससे भी एक हैरानी वाली बात यह है कि पर ईयर लाखों लोग जो है ना जॉइंट्स प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम क्यों होती है, मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो हमारे बॉडी में ना बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं और हर एक जॉइंट्स के बीच में ना एक तेलिए जैसा एक पदार्थ होता है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं या फिर हम उसको ग्रीस भी बोलते हैं, उसको हम फ्लूइड भी बोलते हैं। उसी कार्टिलेज की वजह से क्या होता है ना दोनों हड्डियों के बीच में चिकनापन आता है, और उसी चिकनेपन की वजह से क्या होता है ना लुब्रिकेशन आती है, मतलब लचीलापन आता है, और उसी लुब्रिकेशन और उसी लचीलेपन की वजह से क्या होता है ना हमारा जॉइंट जो है ना मूवमेंट करता है। लेकिन जब हमारी कार्टिलेज को ना उसका भोजन नहीं मिल पाता, मीन्स उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है, तो वो कार्टिलेज क्या होता है ना वो धीरे 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 सूखना शुरू हो जाता है, और जब वो सूखना शुरू होता है तो क्या होता है आपस में हड्डियां ना टकराना शुरू करती है, जब आपस में हड्डियां टकराती है ना तब वहां से ना क्या होता है हमारी जॉइंट्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरएवर फ्रीडम के बारे में कि वो फॉरएवर फ्रीडम किस तरीके से जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
सो अगर मैं फॉरएवर फ्रीडम की बात करूं तो इसमें 90% एलोवेरा जेल होता है जो कि बेसिकली क्लींजिंग, नरिशमेंट और रिपेयर का काम करता है। प्लस 10% में कंपनी ने मिलाया है ग्लूकोसामाइन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, MSM प्लस विटामिन सी। ये जो चीजें कंपनी ने मिलाई है ना, ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, MSM और विटामिन सी, ये क्या करता है बेसिकली हमारे जो कार्टिलेज जो सूख जाता है ना उसको बनाने का काम करता है, मतलब कार्टिलेज को ना रीजनरेट करता है फिर से। बोला जाता है कि अगर हड्डियों के बीच में अगर थोड़ा सा भी कार्टिलेज बचा होगा ना तो ये फॉरएवर फ्रीडम फिर से बहुत सारे कार्टिलेज को बनाने में सक्षम है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, लुब्रिकेशंस को इंक्रीज करता है, लुब्री लचीलापन लाता है हमारे जॉइंट्स के बीच में और हमारा जो जॉइंट फंक्शन है ना उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। सो अब मैं अगर फॉरएवर फ्रीडम के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं कि हम फॉरएवर फ्रीडम को कौन कौन से डिजीज में दे सकते हैं, देखो फॉरएवर फ्रीडम तो बेसिकली जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए ही है, बट इसमें इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहली चीज तो जितने भी टाइप्स की जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, ठीक है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, स्पाइनल डिस्क हो, साइटिका हो, सर्वाइकल डिस्क हो, एनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रॉब्लम में आप फॉरएवर फ्रीडम को दे सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में आप आर्कटिक्स अगर देते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा फायदा करेगा सामने वाले को अगर आप देते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत अच्छा फायदा देता है, और डाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेल्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, राइट। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये किसी भी एज का पर्सन फॉरएवर फ्रीडम को ले सकता है, ठीक है। अगर मैं मेनली बात करूं तो 40 प्लस वाले जो लोग होते हैं जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं उनको तो डेफिनेटली यूज करवाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है 40-50 साल की एज में ना कार्टिलेज लगभग सूख जाता है, ठीक है, तो उन लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है जो 40 प्लस वाले हैं, ठीक है। अगर कोई एथलीट्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा उनको रन करना पड़ता है, वैसे लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जो एथलीट्स होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, क्या होता है ना कार्टिलेज बहुत ज्यादा घिसती है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर वो लेते हैं तो क्या होगा कि कार्टिलेज हमेशा बनता रहेगा बॉडी में। सो आई होप आपको फॉरएवर फ्रीडम की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कौन कौन से डिजीज में हम फॉरएवर फ्रीडम को दे सकते हैं ये भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। तो आप फॉरएवर फ्रीडम को डेफिनेटली आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को आप यूज करवा सकते हैं, या फिर आसपास के अगर कोई लोग हैं जिनको आर्थराइटिस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप उनको ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सजेस्ट करिए, ठीक है। बट अभी आपके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि सर हम जॉइंट्स में कौन कौन से हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कौन कौन से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कर सकते हैं फॉरएवर फ्रीडम के साथ में। सो सबसे पहली चीज तो भाई फॉरएवर फ्रीडम आप साथ में दे सकते हैं फॉरएवर का आर्कटिक सी, उसके साथ में आपको देनी है एलो हिट लोशन प्लस एक MSM जेल। अब इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 100 ml लेनी है फॉरएवर का फ्रीडम, ठीक है। और फॉरएवर फ्रीडम को लेना कैसे है, क्या करना है आपको, सुबह खाली पेट 100 ml लेनी है और 100 ml लेने के बाद आधे घंटे का गैप करना है, और उस आधे घंटे में आपको कोई भी चाय या पानी नहीं पीना, आधे घंटे के बाद आपको हॉट वाटर पीनी है, आप ठंडा पानी भी पी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। और ठंडा पानी पीने के बाद आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको आर्कटिक सी लेनी है, एक आर्कटिक सी ले लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करनी है एक नाइट में एक आर्कटिक सी लेनी है आफ्टर डिनर। उसके बाद आपको क्या करना है जो हीट लोशन और MSM है उसको दो टाइम पे मालिश करनी है, एक आप आफ्टरनून में कर सकते हो और एक आप नाइट में कर सकते हो। मालिश कैसे करनी है, आपको हीट लोशन और MSM को थोड़ा थोड़ा लेकर अपने हथेली पे मिलाना है और जहां पे जॉइंट्स की प्रॉब्लम है वहां पे उसकी मालिश करनी है, और मालिश करने के बाद आपको एक कपड़ा लेना है और उसको आग में थोड़ा सा कपड़े को गर्म करके और उस जॉइंट जहां पे भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है जहां पे आपने मालिश करी है वहां पे उस गर्म कपड़े के साथ में सेकना है। इससे क्या होगा ना बहुत जल्दी उनका जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है ना रिकवर हो सकता है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज मार्केट में ना तीन तरह के शहद मिल रहे हैं। एक शहद है जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट शहद, जो कि दो पैर के मधुमक्खियां बनाती हैं, ठीक है, और दूसरा शहद होता है जिसको हम ओरिजिनल शहद बोलते हैं, और एक तीसरी शहद होती है जिसको हम प्योर शहद बोलते हैं। मतलब तीन तरह के शहद हो गए, एक डुप्लीकेट, एक ओरिजिनल और एक प्योर। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो ओरिजिनल शहद होता है वही प्योर शहद भी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो एक होती है डुप्लीकेट शहद, डुप्लीकेट शहद वो होती है जो कि गुड़ और चीनी से बनाया जाता है, ठीक है, जो कि इंसान बनाता है, ठीक है। दूसरा शहद होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल शहद। ओरिजिनल शहद कौन सी शहद होती है, अगर आप देख रहे हो आपके आसपास जो भी कहीं छत्ते पे कोई ना कोई मधुमक्खियां छत्ते लगाई है, कोई पेड़ों पे या आसपास की कहीं किसी भी जगह पे आपने देखा होगा कि मधुमक्खियों का ना छत्ता लगा हुआ है, तो बहुत सारे लोग ना वो उसको सोचते हैं वो प्योर शहद है। वो प्योर नहीं है, वो ओरिजिनल शहद है, बट वो प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो कि जिस भी जगह पे छत्ते लगे हुए हैं क्या वहां का वातावरण सही है, वहां पे आसपास गाड़ी भी चल रही है, बहुत सारे धुएं निकल रहे, तो वो जो धुआं होता है जो कि हम लोग लेड कंटेंट होता है वो क्या होता है ना सारे मधुमक्खियों के छत्ते में चला जाता है, जिससे क्या होता है वो सारे का सारा शहद ना खराब हो गया एक तरीके से। आज इसीलिए आज इंडिया में बहुत सारा शहद बैंड है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जहां भी शहद की जो मतलब पालन किया जाता है वहां का आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल पॉल्यूटेड एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा धुआं होता है जिसकी वजह से ना वो सारे शहद में ना लेड आ जाती है, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट ने लगभग सभी शहद को बैन कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिनल शहद, जो कि आप देख रहे हो कि आसपास कोई पेड़ में कहीं पे लगे हैं, कहीं घरों में छत्ते लगाए मधुमक्खियां, वो ओरिजिनल शहद है बट प्योर नहीं है।
और एक होती है प्योर शहद जो कि आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। आज पिछले 44 ईयर में फॉरएवर जो है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा आपको शहद प्रोवाइड करता है। आप इसको गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो गूगल भी आपको बता देगा कि हाँ पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छा कोई शहद बनाता है तो वो फॉरएवर कंपनी बनाती है, क्योंकि फॉरएवर एक प्योर शहद बनाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं फॉरएवर बी हनी के बारे में। सो अगर मैं फॉरएवर बी हनी की बात करूं तो पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट शहद है फॉरएवर बी हनी। यह 3000 से 4000 औषधीय फूलों से बना हुआ शहद है जिसकी उत्पादन स्पेन की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर लगभग 500 स्क्वायर मील में बिना प्रदूषण वाले एरिया में मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। ओके, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, और इसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं लाइक B2, B3 है ना, और B12 भी होता है इसमें, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है। इसमें 22 तरह के एमिनो एसिड्स भी होती है जो कि हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसमें बहुत सारी एंटी प्रॉपर्टीज भी होती है लाइक एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी एजिंग, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज भी इसमें होता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि फॉरएवर का शहद हम लोगों को क्यों यूज करना चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज, अगर आप फॉरएवर का शहद आप यूज करते हो तो ये आपके स्टैमिना और एनर्जी को इंप्रूव करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत अच्छा करेगा, आपको कभी भी सांसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइक अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, आपके हार्ट फंक्शंस के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, और ये हमारे बॉडी में सबसे अच्छी बात है कि ब्लड को रिजनरेट करता है, हमारे बॉडी में नए नए ब्लड को भी बनाता है क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा होती है, और ये ब्लड की प्यूरिफिकेशन भी करता है, हमारे ब्लड को ना साफ भी करता है। ठीक है, देखो अगर हमारा ब्लड साफ नहीं होगा ना तो क्या होता है कि वो ना सारे किडनी में जाकर जमती है, और वही किडनी में क्या होता है फिर उसके बाद स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ब्लड की प्यूरिफिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है। अगर कोई शुगर पेशेंट है उनको ये डेफिनेटली यूज करना चाहिए। ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर लेवल को बैलेंस करके रखता है। ये आपके स्किन के लिए, आंखों के लिए, बोन्स के लिए और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपको बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल से भी प्रोटेक्ट करता है। आप ये देख सकते हो कि एक शहद के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम सिर्फ बात करें, अगर हम शहद ही अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम यूज करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको शहद के बेनिफिट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये बच्चों के लिए कंप्लीट फूड है, क्योंकि बच्चों को डेली बेसिस पे जितने भी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है ये शहद अगर हम बच्चों को अगर डेली एक चम्मच देना शुरू कर दें तो उनके बॉडी में कभी भी न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। और एक बच्चों में देखिए क्या होता है कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की नीड होती है बच्चों को, बट हम क्या है कि डेली बेसिस पे हम उन्हें दे नहीं पाते और ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा अगर आप शहद को देते हो तो डेली बेसिस पे एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो पावर एक बच्चे को मिलनी चाहिए, उस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो न्यूट्रिशंस मिलनी चाहिए बच्चों को, वो सारा ये शहद दे देगा। ठीक है, बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखेगा आपके बच्चों के अंदर में, लर्निंग और थिंकिंग पावर को भी इंक्रीज कर देगा अगर हम इस बच्चों को रेगुलर बेसिस पे अगर हम शहद को देते हैं, और स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि देखो आज के टाइम पे बच्चे क्या हो ना फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जिससे ना क्या होता है कि उनके आंतों में ना बहुत सारी गंदगी जम जाती है जिसकी वजह से ना उन्हें घर का खाना नहीं खाते वो लोग क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती। तो ये अगर आप दोगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, मतलब आपके बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करेगा। आज आपने देखा होगा बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनको ना आज उनको भी शुगर, डायबिटीज है ना, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। इसका रीजन ये कि उन्हें बच्चों क्योंकि उन्हें बचपन में न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाई, लेकिन अगर आप अभी बच्चों को अगर आप ये देना शुरू कर देते हो तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बच्चों को कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होगी। और इस प्रोडक्ट को कोई भी एज पर्सन ले सकता है, एक बच्चे से बूढ़े तक कोई पर्सन ले सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, किसी भी एज का पर्सन इस शहद को ले सकता है डेली बेसिस पे एक चम्मच खाना खाने के बाद। ओके, सो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि हम फॉरएवर शहद को कौन कौन से बीमारियों में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अस्थमा से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें शहद बहुत ज्यादा अच्छा फायदा करता है। बैक्टीरियल डिजीज अगर किसी को हो चुकी है लाइक ट्यूबरकुलोसिस मींस टीबी की प्रॉब्लम, निमोनिया और टाइफाइड जैसे जो प्रॉब्लम्स अगर किसी को हो चुकी है उसमें आप शहद को दे सकते हो, बहुत अच्छा फायदे हैं शहद के। अगर किसी को जॉन्डिस हो गई है तो उसमें भी आप शहद को दे सकते हो। किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, मतलब अगर किसी को बॉडी में खून की कमी है तो उसके लिए भी शहद बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे बॉडी में जो शहद है खून बनाने का भी काम करता है। जिसको बार बार कफ, कोल्ड और फीवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, जिसको बार बार बुखार वगैरह लगते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। किसी को इंसुमिनिया की अगर प्रॉब्लम है तो ये इंसुमिनिया का मतलब होता है अनिद्रा, जिसको ना नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है चाहे वो मेल या फीमेल, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर से आपको प्रोटेक्शन करेगा, अगर आपको वेट लूज करना है या फिर अगर आपको वेट को गेन करना है तो भी आप इस शहद को ले सकते हो। ठीक है, अगर कहीं पे जल गया और कट गया वहां पे भी आप इस शहद को इस्तेमाल कर सकते हो। स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, किसी भी तरह का अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो उसमें आप डेफिनेटली आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको एलर्जी से प्रॉब्लम है, बहुत तरह की एलर्जीज होती है, तो ये हर तरह की एलर्जी से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपको कोई एलर्जी है अगर आप उसको यूज करते हो शहद को रेगुलर बेसिस पे तो आपका एलर्जी भी जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर मैं रॉयल जेली की बात करूं तो रॉयल जेली को फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है, मतलब जवानी का फुहारा, क्योंकि अगर हम रॉयल जेली को यूज करते हैं ना तो हम बढ़ती उम्र में भी हमें ये जवान बनाए रखती है।
ये रॉयल जेली की ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। अब ये रॉयल जेली जो होता है रानी मधुमक्खी का भोजन होता है। अब ये रानी मधुमक्खी कौन होता है? रानी मधुमक्खी उसे बनाया जाता है जो छत्ते में सबसे कमजोर मधुमक्खी होती है, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 सप्ताह होती है और जिसकी साइज बहुत छोटी होती है और वो रोजाना सिर्फ और सिर्फ 300 अंडे देती है कम से कम। मधुमक्खियों के छत्ते में दूधिया रंग का तेज गंध वाले खट्टा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम सफेद शहद भी बोलते हैं, जो कमजोर मधुमक्खी को छोड़कर बाकी सभी मधुमक्खी जो होती है अपने गले के ग्रंथियों से निकालती है, उसे ही हम रॉयल जेली कहते हैं। और इसी रॉयल जेली को कमजोर मधुमक्खियों को खिलाया जाता है और इसी रॉयल जेली को खाने के बाद कमजोर मधुमक्खी में 3 प्रकार के बदलाव होते हैं, 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं। सबसे पहला होता है कि जो कमजोर मधुमक्खी का उम्र 6 सप्ताह होता है उसकी जो उम्र है 6 साल हो जाती है। अब जो कमजोर मधुमक्खी 300 अंडे देते थे रोजाना के, वही रॉयल जेली खाने के बाद 3000 अंडे देने लगती है। पहले के मुकाबले 8 से 10 गुना उसकी साइज भी बढ़ जाती है कमजोर मधुमक्खी की। तो ये फायदा होता है जब एक रॉयल जेली को एक कमजोर मधुमक्खी खाती है, ठीक है। अब रॉयल जेली देखो हमारा एक एंटी एजिंग और एक हाईली एनर्जेटिक प्रोडक्ट्स है। रॉयल जेली में बहुत सारे पोषक तत्व तो होते हैं जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स और 22 तरह के एमिनो एसिड्स भी होते हैं इसमें। अब बात करते हैं रॉयल जेली के बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम रॉयल जेली को डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं तो सबसे पहली चीज ये 90 तरह की डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। हमारे ये स्किन के लिए, बालों के लिए और आंखों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है। हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है। अगर हम इसे डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी लेवल को भी इम्प्रूव करता है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है, हार्मोन्स को भी मेंटेन करता है, डिसबैलेंस नहीं होने देता हार्मोन्स को, हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है हमें बीपी और हार्ट की जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है हमारे, और ये फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। आप ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और ये इन्फेक्शन और एलर्जी से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और एक सबसे अच्छी बात है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उन सभी ऑर्गन्स के लिए भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है, क्योंकि सभी ऑर्गन्स को जितने भी न्यूट्रिशंस की नीड होती है ये रॉयल जेली सभी ऑर्गन्स को प्रोवाइड भी कर देती है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं रॉयल जेली के। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रॉयल जेली प्रोडक्ट्स को कौन कौन से बीमारियों में आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर किसी को हार्मोन्स डिसबैलेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइक थायराइड हो गया, या किसी की हाइट ग्रोथ नहीं हो रही, किसी की हाइट नहीं बढ़ रहा, ठीक है, तो आप उसमें इस प्रोडक्ट को दे सकते हो। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर किसी को है, लाइक माइग्रेन या अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस और डिप्रेशन, पैरालिसिस या पार्किंसन जैसी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप ये रॉयल जेली को दे सकते हो, ठीक है। इनफर्टिलिटी की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें भी रॉयल जेली बहुत अच्छा फायदा देता है। ज्वाइंट्स पेन और सर्वाइकल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी को अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है, मतलब किसी को खून की प्रॉब्लम है, बॉडी में खून की कमी है, तो उसमें भी आप रॉयल जेली को दे सकते हो। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसमें भी आप रॉयल जेली को दे सकते हो। कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। किसी को पीरियड्स और ल्यूकोरिया जैसे गर्ल्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। किसी को इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं रॉयल जेली को। किसी को स्टैम्पर टू स्पीक, मतलब किसी को कोई अगर तोतलापन है, जिसको जो बोलने में जिसको प्रॉब्लम होती है, जो हकलाता है, उसके लिए भी ये रॉयल जेली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस और एलर्जी से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर स्किन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक लिपोडर्मा हो गया, एक्जिमा या सोराइसिस से, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप रॉयल जेली को आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें आप रॉयल जेली को देकर आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। फॉरएवर के आर्कटिक सी प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फैट कितने तरह के होते हैं। देखो 3 तरह के फैट्स होते हैं। एक होती है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का मतलब क्या होता है? जो हमारे बॉडी में जमता है और जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अभी ट्रांस फैट्स मिलता कहां से? लाइक आप फास्ट फूड खाते हैं, है ना, या फिर हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, या फिर हम फ्राई फूड्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, राइट, या फिर हम पैकेज फूड जो खाते हैं, लाइक लेस, कुरकुरे वगैरह, जो भी चीज होती है, इन सारी चीजों को खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी को मिलती है ट्रांस फैट्स।
ठीक है, बर्गर होगा, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे बॉडी के लिए ना नुकसानदायक है। दूसरा जो फैट होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को हम बैड फैट के भी नाम से जानते हैं। आपको नाम से लग रहा होगा सैचुरेट मतलब जमना, राइट। जब हम सैचुरेटेड फैट जो भी होता है ना हमारे बॉडी में जमता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर मैं बात करूं तो ट्रांस फैट्स और जो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं ना, ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी मतलब फायदेमंद नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ये हमारे बॉडी में ना ब्लॉकेज वगैरह की समस्या उत्पन्न कर देती है, राइट। तीसरी जो फैट्स होती है, जो कि एक गुड फैट्स होता है जिसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट, जो कि हमारे बॉडी में जमता नहीं है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स और जो ट्रांस फैट होती है उसको खाने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में स्टोर होता है, और स्टोर होने की वजह से ना ब्लॉकेज वगैरह की समस्या होती है, राइट। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट जो भी होता है ना उसको अगर हम खाते तो हमारे बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही देता है, राइट। तो ये तीन तरह के फैट्स होते हैं जो कि मैंने बताया आपको, गुड फैट्स, बैड फैट्स और ट्रांस फैट्स। अभी आपको लग रहा होगा कि सर आप क्या फैट्स के बारे में बता रहे हो, तो मेरा बताने का मकसद इतना सा था ताकि आपको फैट्स क्लियर हो जाए। अब आपको समझ आएगा फॉरएवर आर्कटिक सी के बारे में, क्योंकि जो फॉरएवर का जो आर्कटिक सी है ना वो बेसिकली गुड फैट्स है। देखो गुड फैट को हम ओमेगा 3 के नाम से भी जानते हैं, गुड फैट को हम ओमेगा 3 भी बोलते हैं। अब ये जो ओमेगा 3 है हमें दो चीजों से हमें मिलती है, एक शाकाहारी चीजों से भी मिलती है और मांसाहारी चीजों से भी हमें ओमेगा 3 मिलती है। शाकाहारी चीजों से जो हमें ओमेगा 3 मिलती है उसे हम बोलते हैं ALA, ALA का मतलब होता है अल्फा लिग्नोनिक एसिड। और जो हमें मांसाहारी चीजों से जो हमें ओमेगा 3 मिलती है उसे हम बोलते हैं EPA एंड DHA। EPA का मतलब होता है आइकोपेंथोनोइक एसिड और DHA का मतलब होता है डोकोहेक्सोनोइक एसिड। मैंने अभी आपको ये बता दिया कि ओमेगा 3 शाकाहारी चीजों से ही मिलती है और मांसाहारी चीजों से भी मिलती है, बट सबसे ज्यादा अगर ओमेगा 3 किसी चीज में मिलती है तो वो मिलती है मांसाहारी चीजों में, जैसे सालमन और टूना फिश में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। आइए अब हम जानते हैं फॉरएवर आर्कटिक सी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि फॉरएवर ने इसको आर्कटिक सी नाम क्यों रखा। ओमेगा 3 का आर्कटिक सी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये आर्कटिक ओशियन के फिश ऑयल से बनाया गया है। फॉरएवर की आर्कटिक सी उन साइंटिस्टों ने बनाया है जिन्होंने ओमेगा 3 की खोज की थी, जिनको दुनिया में फादर ऑफ ओमेगा 3 बोलते हैं, डॉक्टर जॉन डायरबर्ग। इन्होंने फॉरएवर के साथ मिलकर एक परफेक्ट ओमेगा 3 न्यूट्रिशन तैयार किया है, इस वजह से ये मार्केट के अदर ओमेगा 3 से बहुत डिफरेंट मानी जाती है। अभी तो जाना कि ओमेगा 3 क्या होता है, अब हम जानेंगे कि फॉरएवर के आर्कटिक सी को अगर हम यूज करते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहले ये हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम इसे यूज करते हैं ना तो हमारी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्रेन से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे हार्ट फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप फॉरएवर का आर्कटिक सी यूज करते हो। हमारे ज्वाइंट फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमें कभी भी ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे आंखों के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा आर्कटिक सी, ठीक है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर लेवल को बैलेंस करता है, शुगर लेवल को बैलेंस करके रखता है, हार्मोन्स को डेवलपमेंट करता है हमारे बॉडी के अंदर में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, हमारे सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्हें ये बहुत अच्छा फायदा करता है, ठीक है। एक बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा आर्कटिक सी, ठीक है। मेंस एंड वुमेन्स के फर्टिलिटी में भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। कैंसर और फ्री रेडिकल से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और हर तरह के इन्फेक्शन और एलर्जी से भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि फॉरएवर के आर्कटिक सी को हम कौन कौन से बीमारियों में हम दे सकते हैं। सबसे पहली चीज, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप उसमें आर्कटिक सी को आप दे सकते हो। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, किसी को बॉन्स और जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी आप आर्कटिक सी को आप दे सकते हो। इनको बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे वो हाई बीपी हो या लो बीपी हो, उसमें भी हम आर्कटिक सी को दे सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर किसी को किसी भी टाइप की इन्फेक्शन या एलर्जी की प्रॉब्लम है उसमें भी हम आर्कटिक सी को दे सकते हैं। किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसमें भी हम आर्कटिक सी को दे सकते हैं। स्किन से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें भी हम आर्कटिक सी को दे सकते हैं। और आई साइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें भी हम आर्कटिक सी का हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, ठीक है। मैं बोलता हूं अगर आप फॉरएवर का आर्कटिक सी यूज कर रहे हो ना तो मेनली तीन चीजों का तो इंश्योरेंस कर देगा, आपके ब्रेन का, आपके हार्ट का और जॉइंट्स का। इन तीन चीजों से रिलेटेड तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप फॉरएवर का आर्कटिक सी यूज करते हो, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरएवर सी प्लस के अंदर में क्या क्या चीजें मिलाया गया है। तो इसमें है सबसे पहले चीज गॉसबेरी, जिसे हम हिंदी में आंवला बोलते हैं। गॉसबेरी के अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे विटामिन ए सी और बी कॉम्प्लेक्स भी होता है इसमें, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और सोडियम भी इसमें होता है जो कि एक मिनरल्स है, ठीक है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें कंपनी ने मिलाया है हेस्पिरिडिन। हेस्पिरिडिन का मतलब होता है कि संतरा का जो छिलका होता है, ठीक है, उसको हम हेस्पिरिडिन बोलते हैं। कंपनी ने उसको इस्तेमाल किया है इस सी प्लस के अंदर में, क्योंकि हेस्पिरिडिन के अंदर में ना विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें मिलाया गया है। अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर सी प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो फॉरएवर के जो सी प्लस है उसमें ना एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमें फ्री रेडिकल्स और रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब अगर कहीं पे सूजन वगैरह है, ठीक है, तो वो उसको भी खत्म करने का पावर रखता है सी प्लस, ठीक है। इसमें एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, ओके, और ये कैंसर को स्टॉप करता है, ट्यूमर सेल्स जो होती है उसको भी इंक्रीज करने से रोकता है, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, यूरिनरी सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।
हमारे हार्ट फंक्शंस को इंप्रूव करता है, ब्रेन फंक्शंस को भी ये इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, ये हमारे स्किन के लिए, लंग्स के लिए, लीवर, किडनी, बोन्स और आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है। शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, बीपी लेवल को भी ये कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी रिड्यूस करता है, ये हमारे बॉडी से स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है। ओके, तो सी प्लस के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको और बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो आप जो जितने भी संतरे के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, आप समझ लो कि संतरा और आंवला का जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारा आपको सी प्लस ही आपको दे देगा। ओके, ये तो मैंने बेनिफिट्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सी प्लस को आप कौन कौन से डिजीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट को आप दे सकते हैं, डायबिटीज वालों को भी आप सी प्लस दे सकते हैं, किसी को अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसमें भी आप सी प्लस को दे सकते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें भी सी प्लस बहुत अच्छा मतलब काम करता है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है उसमें भी सी प्लस दे सकते हैं, किसी भी टाइप का अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप उसमें भी सी प्लस दे सकते हैं, इनफर्टिलिटी की अगर प्रॉब्लम है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसोमिनिया की अगर प्रॉब्लम है, किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम है उसमें भी ये सी प्लस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, मूड ऑर्डर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इससे वेट लूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्मोकर्स के लिए बहुत अच्छा होता है जो लोग सिगरेट पीते हैं, क्योंकि जो लोग सिगरेट पीते हैं ना उनके बॉडीज में ना विटामिन सी की बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि सिगरेट पीने से ना उनके बॉडी से बहुत सारे विटामिन सी की बहुत सारे विटामिन सी उनके बॉडी से निकल जाती है, राइट। तो स्मोकर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने ये बताया कि आप सी प्लस को कौन कौन से डिजीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं फॉरएवर इम्यून ब्लेंड की बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली इम्यून सिस्टम के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है, बट सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। देखो, फॉरएवर इम्यून ब्लेंड में है विटामिन सी जो कि फ्री रेडिकल्स से हमें प्रोटेक्ट करता है, इसमें विटामिन D3 है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, इसमें जिंक है जो कि फ्री रेडिकल से हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, और बेसिकली इसमें जो चीजें मिलाई गई है वो है माइटेक मशरूम एंड साइटेक मशरूम। अगर मैं फॉरएवर इम्यून ब्लेंड की बेनिफिट्स की बात करूं तो ये फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ब्रेन फंक्शंस को भी बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो ये एलोवेरा जेल के साथ में हम इम्यून ब्लेंड को दे सकते हैं। ठीक है, हाई बीपी और लो बीपी की अगर किसी को प्रॉब्लम है उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन सी होती है। ठीक है, ये एंटी ट्यूमर सेल्स को ना प्रोडक्शन करता है, मतलब हमारे बॉडी में जो ट्यूमर सेल्स बनते हैं ना उसको भी खत्म करने का काम करता है। किसी भी तरह की अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, अगर किसी को स्किन कैंसर हो गया या बहुत तरह के कैंसर होते हैं उसमें हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर किसी को बैक्टीरियल डिजीज हो गया लाइक टीबी की प्रॉब्लम है, टाइफाइड जैसा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती है उसमें आप इस प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं, जैसे कोल्ड फ्लू फीवर की अगर किसी को प्रॉब्लम है उसमें आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, चिकनगुनिया या चिकन पॉक्स की अगर किसी को प्रॉब्लम है उसमें भी हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। ठीक है, और किसी भी तरीके की अगर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उसमें भी हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, राइट। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो बेसिकली ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारे बॉडी में किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं आ सकती, राइट। तो इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी यूज करवाना चाहिए, राइट। सो अब हम बात करेंगे फॉरएवर एक्टिव एचए के बारे में। इस प्रोडक्ट के अंदर में होता है अदरक और इसमें मिलाया हुआ है हल्दी और साथ में होती है सोयाबीन ऑयल और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एचए हाइलुरोनिक एसिड जो कि हमारे स्किन और जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। होता है क्या, हमारी बॉडी ना एक नेचुरल प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है जिसे हम एचए बोलते हैं, बट होता है क्या जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना तो हमारी जो बॉडी है एचए की मात्रा जो है बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जॉइंट्स के बीच जो लचीलापन होता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है और हमारी स्किन भी ना ड्राई और रफ हो जाती है। अगर मैं इसके फायदे की बात करूँ तो ये हमारे जॉइंट्स और बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये हमारे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज को बनाता है और हमारे जॉइंट्स के बीच जो लचीलापन होता है उसको भी वो बढ़ाने का काम करता है। हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, हमारे स्किन को ये नरिश और मॉइस्चराइज करता है, जो हमारे स्किन ड्राई और रफ हो जाता है उसको भी ये खत्म करता है और हमारी स्किन को एक यंग लुक देता है। ठीक है, इसमें एक इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जब हमारे जॉइंट्स में जब प्रॉब्लम होती है ना तो सूजन भी हो जाता है, तो उस सूजन को भी ये खत्म करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी वो खत्म करता है। ठीक है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है जो कि हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं फॉरएवर एलो टर्म के बारे में। फॉरएवर जो एलो टर्म है बेसिकली इसमें एलोवेरा होता है और साथ में इसमें मिलाया गया हल्दी जो कि हमारे इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर किसी को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर किसी को थ्रोट पेन हो गया है तो उसमें भी वो रिलीफ देता है और हमारे ये ओरल हाइजीनिक के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऐसा प्रोडक्ट है ना ये कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। ठीक है, कोई भी इंसान इसको ले सकता है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी इम्यूनिटी को ना हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेगा अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो। सो अब हम बात करेंगे फॉरएवर आरजी प्लस के बारे में। अगर मैं आरजी प्लस की बात करूँ तो ये एक हमारा एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है। इसके अंदर होती है एल आर्जिनिन जिसकी खोज डॉक्टर फरीद मुराद ने किया था। ठीक है, एल आर्जिनिन एक एमिनो एसिड होता है जो कि हमारे बॉडी में जाते ही ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारी जो नसें सिकुड़ जाती है जब हम 40-45-50 साल के हो जाते हैं तो हमारी नसें ना सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होता है हमारी जो बॉडी में ना ब्लड का फ्लो ना अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ना तरह तरह की हमारी बॉडी में ना बीमारियां आने लग जाती है। बट जैसे हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो होता है कि हमारी जो नसें होती है जो सिकुड़ जाती है ना उसको ये फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है,
एंटी एजिंग हार्मोन्स को भी डेवलप करता है जिससे हम जल्दी बूढ़े भी नहीं होते हैं। ब्लड बीपी लेवल को बैलेंस करके रखता है, शुगर लेवल को बैलेंस करता है, हमारे हार्ट फंक्शन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे ब्रेन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर में जो ऑर्गन्स है लंग्स लीवर किडनी वो सब के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारे जितने भी सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में उसके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेंस एंड वुमेंस के फर्टिलिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूँ कि आप इस प्रोडक्ट को कौन कौन सी बीमारियों में दे सकते हो, तो अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है उसमें आप दे सकते हो, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उसमें भी आप इसको दे सकते हो, किसी को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हो, किसी को पैरालाइज मार चुका है उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एनीमिया, अगर किसी की बॉडी में खून की कमी है तो हमारे बॉडी में खून बनाने का भी काम करता है। अगर किसी को जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हो, किसी को अगर कैंसर है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है। अगर ऑल ऑर्गन्स डिजीज हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी भी तरह की अगर कोई भी बीमारी है तो आप इस प्रोडक्ट को आप दे दो, 100% सामने वाले को रिजल्ट देगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, हमारा सारा प्रोडक्ट एक तरफ और आरजी प्लस एक सिंगल काफी होता है। अगर आपको ये समझ ना आए कि कौन से डिजीज में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ इस आरजी प्लस को दे दो, आपका काम हो जाएगा। फॉरएवर एलो लिप्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देखो अभी आप कोई ना कोई बाहर मार्केट का आप लिप बाम यूज करते होंगे, राइट? तो अगर आप बाहर मार्केट का कोई भी लिप बाम यूज करते हो, देखो उसमें क्या होती है, उसमें होता है पेट्रोलियम जेली और लैड कंटेंट, जो कि क्या होता है ना हमारे स्किन को ना डैमेज करता है, हमारी स्किन को ना ब्लैक करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केमिकल से बना होता है। बट अगर मैं बात करूँ फॉरएवर एलो लिप्स के बारे में, तो फॉरएवर का जो एलो लिप्स है वो बेसिकली तीन चीजों से मिलकर कंपनी ने बनाया है। एक होता है एलोवेरा, दूसरी चीज होती है जोजोबा सीड ऑयल और एक होती है बीजवैक्स, ठीक है, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट लिप बाम इसको बनाती है। अगर मैं बात करूँ एलोवेरा की, तो ये क्या करता है, जितने दिन से आप जो भी आप बाहर का जो लिप बाम आप यूज करते आ रहे हो, सबसे पहले वो क्या करता है, उसको वहां से क्लीन करना शुरू करता है, जो भी हमारे स्किन के अंदर में जो केमिकल्स गया है उस केमिकल्स को बाहर निकालने का काम करता है, स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, उसके बाद नरिशमेंट करने का काम करता है और हमारे स्किन में नए नए सेल्स को भी रिजनरेट करता है। अगर मैं बात करूं जोजोबा सीड ऑयल की, तो इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ई होता है, ठीक है, जो कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है और स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको यूज करते हो तो ये हमारे लिप को ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है और ब्राइटनेस भी बहुत अच्छा देता है। आप इसको लगाओगे तो ही जाकर आप इसका ना अच्छा बेनिफिट्स आपको पता लगेगा। अगर मैं बीजवैक्स की बात करूं तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसको आप एज एंटीसेप्टिक आप यूज कर सकते हो, कट गया जल गया तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, छोटे मोटे जख्म भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज करोगे तो आपके होंठ के नेचुरल कलर का ये वापस ले आएगा। आप जो लोग सिगरेट का यूज करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके ना होंठ पूरी तरीके से डल हो जाता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, उनको भी वो स्किन इन्फेक्शन से ये बचा देगा। अगर कोई स्मोकर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। एलो लिप्स ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लेडीज जो है ना वो लिपस्टिक यूज करती है, जिसके वजह से क्या होता है ना उनके जो होंठ है ना काले पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर कोई भी लेडी अगर लिपस्टिक को यूज करने से पहले अगर वो लिप बाम को यूज कर ले, तो लिपस्टिक से होने वाले जितने भी साइड इफेक्ट्स है ना उनको वो साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आज लिपस्टिक से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अगर लेडी के लिए बहुत अच्छा है अगर वो लिपस्टिक यूज करती है, तो उससे पहले उनको एलो लिप्स को यूज करना चाहिए, ताकि उनको साइड इफेक्ट उनके बॉडी पे ना पड़े। तो इसी तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एलो लिप्स का, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज करिए और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करिए। अगर मैं एवोकाडो सॉप की बात करूं तो ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है, एक एलोवेरा और एक एवोकाडो फ्रूट। अगर मैं एवोकाडो की बात करूं तो एवोकाडो के अंदर में विटामिन ए बी डी एंड ई होता है और इसमें पोटेशियम एक मिनरल्स होती है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और एवोकाडो में ना एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसमें पाया जाता है। ओके, अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो अगर आप इसे स्नान करते हैं तो ये आपकी बॉडी को ना पूरा मॉइस्चराइजिंग करता है और सूथनेस प्रोवाइड करता है। इसमें सनस्क्रीन की भी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपको अल्ट्रावायलेट रे से भी आपको प्रोटेक्ट करती है। ये हर एक स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे वो ड्राई स्किन हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे बॉडी के पीएच मान को भी बैलेंस करके रखता है। अगर आप इसे यूज करते हो तो ये आपके रिंकल्स को भी रिड्यूस करेगा और ये आपकी आंखों को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें विटामिन है। सॉप को आप बॉडी सॉप के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे फेस वॉश के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हैंड वॉश के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसको आप किसी भी टाइप की स्किन प्रॉब्लम में आप इसे दे सकते हैं, मेनली सोराइसिस और एक्जिमा जैसी जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, अगर आप बाहर मार्केट की अगर कोई शॉप से अगर आप नहाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोराइसिस और एक्जिमा की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी। तो लेकिन अगर आप इस एवोकाडो सॉप को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, इचिंग वगैरह भी नहीं होगी अगर आप सोराइसिस और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम में अगर आप इससे आप स्नान करते हैं, राइट? So I hope आपको एवोकाडो की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब हम बात करेंगे फॉरएवर के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉरएवर ब्राइट टूटजेल के बारे में। इसके बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मार्केट का जो टूथपेस्ट होता है और हमारे टूथपेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, मार्केट का जो टूथपेस्ट होता है ना उसमें होती है फ्लोराइड, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में ना 33 प्रकार का कैंसर कर सकता है, ठीक है। इसमें होती है स्टोन पाउडर, एनिमल्स बोन्स पाउडर, चॉक पाउडर और होती है निकोटिन, जो कि हमारे बॉडी में 8 सिगरेट के बराबर नशा जाता है अगर हम मार्केट के टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा जो फॉरएवर का जो ब्राइट टूथ जेल है उसमें फ्लोराइड फ्री है, इसमें बिल्कुल भी फ्लोराइड नहीं होता है, इसमें कोई भी स्टोन पाउडर, एनिमल्स बोन्स पाउडर या चॉक पाउडर नहीं मिलाया गया है और ना ही इसमें निकोटिन है। तो ये पूरी तरीके से सेफ है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा।
अगर मैं फॉरएवर के इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो हमारे टूट जेल में होता है एलोवेरा, बी प्रोपोलिस, नेचुरल मिंट। ये तीन चीज़ों से मिलकर हमारा ब्राइट टूट जेल बना है, जो कि एक 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ब्राइट टूट जेल है। अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये चला भी जाएगा तो भी हमारे बॉडी को 1% का भी नुकसान नहीं करेगा। अगर ये छोटे बच्चे भी यूज़ करते हैं, अगर इस टूथपेस्ट को अगर वो निल भी जाते हैं तो भी उनके बॉडी में कोई भी तरह का ना हार्मफुल कोई भी नुकसान नहीं होगा। सो अब हम बात करते हैं ब्राइट टूट जेल के बेनिफिट्स के बारे में। तो हमारा जो टूट जेल है ये इसके ना 18 तरह का बेनिफिट है, ठीक है। ये मसूड़ों में खून रोकने के लिए बहुत अच्छा है, अगर मुंह में छाले हो चुके हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, मुंह से अगर दुर्गंध आती है उसमें भी ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। खांसी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, सर्दी में, सर दर्द में, ठीक है। मच्छर या चींटियां काट लिया हो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके 18 तरह के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जिन्होंने भी आपको ये वीडियो का लिंक शेयर किया है आप उनसे ये लिस्ट मांग लेना, या फिर आप गूगल पे सर्च करना, आपको गूगल में ना इसके पूरे बेनिफिट्स का लिस्ट मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके 18 तरह के बेनिफिट्स हैं हमारे टूट जेल के, ठीक है। अगर आपने इसको यूज़ किया तो ये जो टूट जेल है लगभग 4 से 5 महीने चलता है और ये जल्दी खत्म भी नहीं होता, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूथपेस्ट है। जब आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपको लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि आपने आज तक ऐसा टूट जेल कभी भी यूज़ नहीं किया। अब हम बात करते हैं एलो लिक्विड सॉप के बारे में। ये जो एलो लिक्विड सॉप है बेसिकली इसमें होता है एलोवेरा और होता है खीरा का एक्सट्रैक्ट, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे स्किन को नरिश करता है। आप इसको एज अ फेस वॉश, एज अ बॉडी सॉप और या एज अ हैंड सॉप भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको एज अ फेस वॉश यूज़ करिए, 1 साल से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। और अगर जब आप इसको यूज़ करते हो ना तो आपको आँखों में जलन भी नहीं होती, क्योंकि ये नो टियर फॉर्मूला से बनाया गया है। अगर आपका स्किन ऑयली है या ड्राई है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको एज अ सेविंग क्रीम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ बेबी सॉप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो जॉनसन्स बेबी के जो किट मिलते हैं उसमें ना वो बहुत सारे बेबी को ना प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर तक भी हो सकता है। तो मेरा आपसे पर्सनली ये सजेशन रहेगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उसको इसी एलो लिक्विड सॉप से ही नहलाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायदा करेगा उसको और उसके स्किन को ना नरिशमेंट भी मिलेगी। और ये हमारे हेयर प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अगर आप इससे नहाओगे तो कहीं ना कहीं आपके बाल झड़ने से भी रुकेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 1 साल से ज़्यादा चलता है अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ एज अ फेस वॉश के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगर मैं एलोवेरा जेली क्रीम की बात करूं तो इसमें 100% प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा जेल से ये बनाया गया है। इसको हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसमें बहुत सारे विटामिन ई और सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको हम आफ्टर सेविंग और आफ्टर वैक्सिंग भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है जब हम सेविंग कर रहे होते हैं ना तो कट जाते हैं, तो आप उस कटे जगह पे भी आप इस जेली क्रीम को लगा सकते हो, ठीक है। ये हर एक टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे आपका ड्राई स्किन हो चाहे आपका ऑयली स्किन हो, तो भी आप इस जेली क्रीम को यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस पे। गुड फॉर ऑल स्किन प्रॉब्लम, आप किसी भी टाइप की स्किन प्रॉब्लम में आप इसको यूज कर सकते हो प्रोपोलिस क्रीम के साथ में, लाइक एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, ठीक है। बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है बड़े बड़े, आप ना उसमें डेफिनेटली आप इसका यूज करके बहुत अच्छा आप रिजल्ट ले सकते हो, ठीक है। माइनर स्किन की प्रॉब्लम में भी आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अगर किसी को फीवर हो गया है, ठीक है, अगर उसको फीवर होता है तो आप ना फीवर के टाइम में भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर किसी की हेयर लॉस हो रहा है या फिर हेयर लॉस हो चुका है तो भी आप हम इसका यूज कर सकते हैं। इसकी गारंटी तो नहीं है कि सामने वाले का बाल रिटर्न आ जाएगा, बट अगर किसी की हेयर लॉस होना शुरू हो चुका है, बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, अगर वो उस टाइम पे इसको यूज करें जेली क्रीम के साथ में प्लस और एक आती एलो फर्स्ट, अगर हम दोनों प्रोडक्ट्स को अगर हम यूज करना स्टार्ट कर दें तो सामने वाले का ना हेयर लॉस होना वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है वहां पे भी हम जेली क्रीम को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग्स अगर किसी को हो रही है, दांतों में अगर खून वगैरह निकलता होता है, कई बार हमें दांतों से खून भी आती है, तो वहां पे भी हम जेली क्रीम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद टिकिंग का मतलब ये है कि बहुत क्या होता है, जब बच्चे होते हैं, जब उनके दांत निकल रहे होते हैं ना तो उनको थोड़ा ना प्रॉब्लम होती है दांत निकलते टाइम, तो उस जगह पे ना आप लगा सकते हो बच्चों को, जिससे क्या होना उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और देखो क्या होता है, बहुत बार क्या होता है ना हमारी स्किन में ना फंगस वगैरह हो जाती है, जिससे हम कैंडिडा बोलते हैं, तरीके का फंगस होता है, आप उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको एज एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकते हैं, कटे जले पे भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो जेली क्रीम के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। आप इसको डेफिनेटली आप डेली बेसिस पे यूज करिए। ये जेली क्रीम तो आपके घर में जरूर होना चाहिए, आप मैं बोलूँ एक तरीके का बहुत अच्छा क्रीम है, जो कि आपको किसी भी टाइम स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम्स होती है ना तो आप घरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको एलोवेरा जेली क्रीम की एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो एलो प्रोपोलिस क्रीम में होती है एलोवेरा एंड बी प्रोपोलिस एंड होती है उसमें कैमोमाइल फ्लावर, जो कि इसको एक बेस्ट क्रीम बनाती है। अगर मैं बात करूँ इसके बेनिफिट्स की तो इसको आप डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी क्रीम मिलते हैं जिसको आप यूज करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है ना आपकी स्किन में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बट अगर आप एलो प्रोपोलिस क्रीम को अगर आप डेली बेसिस पे यूज करते हो तो आपको कभी भी स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये क्या करता है, जब हम इसको यूज करते हैं तो सबसे पहले ना हमारे स्किन के अंदर में जितनी गंदगी बैठी हुई होती है उसको क्लीन करने का काम करता है। क्योंकि मार्केट का बहुत सारे क्रीम यूज करते हैं तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो ना हमारे स्किन के थर्ड लेयर तक चला जाता है, तो वहां से ना उस गंदगी को सफाई करने का काम करता है और नरिशिंग का भी काम करता है। मतलब एक स्किन को डेली बेसिस पे जितनी भी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो स्किन को देना प्रोवाइड करता है। और ये आर3 फैक्टर का भी काम करता है। आर3 फैक्टर का मतलब होता है हमारे स्किन में नए नए सेल्स को रिजनरेट करता है,
मरे हुए सेल्स को बाहर निकालने का काम करता है और जो डैमेज सेल उससे होते हैं उसको भी रिपेयर करने का काम करता है, जो कि एक बहुत अच्छा है। मार्केट का कोई भी क्रीम कोई भी क्लींजिंग का काम नहीं करता, नहीं आपकी स्किन को कोई नरिशमेंट देती है, नहीं आर्थरी फैक्टर का काम करती है, बट एलो प्रोपोलिस ये तीन वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर एंड कंडीशनर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये किसी भी स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे आपका ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, आप किसी भी स्किन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्ने, इचिंग या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्जिमा या सोराइसिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्किन के इन्फेक्शन हो गया है आपके बॉडी में, तो आप उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये वन ऑफ दी बेस्ट क्रीम है। अगर मैं बात करूँ, जब आप इसको यूज करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि एक्चुअल में आपने कोई क्रीम यूज करी है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस क्रीम को यूज करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको एलो प्रोपोलिस क्रीम की एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अब हम बात करते हैं जोजोबा शैम्पू के बारे में। अगर मैं अपनी शैम्पू की बात करूं तो हमारा जो शैम्पू है ये वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है। ये दो चीजों से मिलकर बनाया गया है। इसमें होता है एक एलोवेरा और एक होता है जोजोबा ऑयल, जो कि हमारे कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मार्केट का जो शैम्पू है, अगर हम उसे यूज करते हैं तो हमारे बालों को ये क्या क्या साइड इफेक्ट करता है। अगर मैं मार्केट शैम्पू के साइड इफेक्ट की बात करूं तो मार्केट का जितने भी शैम्पू होते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल से बना होता है, तो जब हम उसे यूज करते हैं ना तो हमारे बालों के जोड़ों में केमिकल चला जाता है। ठीक है, ये हमारे बालों को पोषण भी नहीं देता। ठीक है, हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे बालों की चमक खत्म हो जाती है, हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, हमारे बाल रूखा बना जाता है, हमारे बाल लंबे नहीं हो पाते, हमारे बाल घने भी नहीं हो पाते और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब लोगों को ये पता नहीं लगता कि ये जो जितने प्रॉब्लम्स हमारे बालों में हो रहे हैं ये हो कैसे रहा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो मार्केट का जो शैम्पू होता है, जो उसमें केमिकल होता है ना, उसकी वजह से ये सारे साइड इफेक्ट हमारे बालों में देखने को मिलता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं फॉरएवर के शैम्पू की, तो फॉरएवर का जो शैम्पू ये क्या करता है, हमारे बालों के जड़ों से केमिकल को हटाता है, हमारे बालों को पोषण देता है, हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे बालों को चमकदार बनाता है, हमारे बालों को सफेद होने से रोकता है, हमारे बालों को लंबा करता है, हमारे बालों को घना भी करता है और डैंड्रफ को भी हटाता है। ठीक है, जितने भी जो नुकसान होते हैं मार्केट के, जो जितने भी शैम्पू होते हैं उसके जो नुकसान होते हैं ना, ये सारे नुकसान से आपको बचा देगा अगर आप जोजोबा शैम्पू को अगर आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट शैम्पू है, आप इसको यूज करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो आज से ही आपको ये जोजोबा शैम्पू आपको यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फॉरएवर ड्रीम एंड फॉरएवर डिजायर प्रोडक्ट के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली एक ये परफ्यूम होता है। ठीक है, एक लड़कों के लिए बनाया गया है और एक लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए जो परफ्यूम है उसका नाम है फॉरएवर डिजायर और जो लड़कियों के लिए बनाया गया है वो है फॉरएवर ड्रीम। ठीक है, अगर मैं अपने परफ्यूम की बात करूं तो इसमें किसी भी तरह का ना अल्कोहल वगैरह नहीं मिलाया गया है, क्योंकि मार्केट में जितने भी परफ्यूम मिलते हैं उसमें अल्कोहल होता है, एल्युमिनियम सॉल्ट होता है, जिससे ना हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर मैं फॉरएवर की परफ्यूम की बात करूं तो इसके जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही अच्छा होता है, जब आप इसको यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, हमारी स्किन को ये नरिशमेंट भी करता है, मॉइस्चराइजिंग करने का भी काम करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लगभग 120 से ज्यादा स्प्रे देता है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, आप इसको काफी लंबा समय तक भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, आप लोगों को यूज करना चाहिए। आप आज से मार्केट का यूज करना बंद कर दो अगर आप चाहते हो कि आपके स्किन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप आज से फॉरएवर का ही आप जो है परफ्यूम यूज करिए, आपको यूज करके बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा है। सो अब हम बात करते हैं एलो एवर सील्ड प्रोडक्ट के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली एक ये डिओड्रेंट है, आप मार्केट का भी कहीं ना कहीं डिओड्रेंट आप यूज़ करते होंगे, बट मार्केट का जो डिओड्रेंट होता है ना उसमें एल्युमिनियम सॉल्ट होता है। ठीक है, जो कि हमारी स्किन को ना काफ़ी ज़्यादा वो नुकसान देता है, बट अगर मैं फॉरएवर के डिओड्रेंट की बात करूँ तो इसमें कोई भी एल्युमिनियम सॉल्ट नहीं होता है, ये 100% एलोवेरा से बना हुआ है। ठीक है, जब आप इसको यूज़ करते हो तो ये हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई नरिशमेंट भी करता है। ठीक है, हमारी हमारे बॉडी से ना बैड स्मेल्स को भी ये रिमूव करता है, हमारी स्किन के जो नेचुरल कलर है उसको ये वापस लाने का काम करता है। आप इसको आफ्टर शेविंग और या फिर आफ्टर वैक्सिंग भी आप इसको ऊपर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सॉक्स पहनते हो तो उससे पहले ना आप अपने पूरे पैर में लगा लेना, इससे क्या होगा ना कि आपको कभी भी ना दूसरों लोगों को ना आपकी जो सॉक्स की जो महक होती है ना वो दूसरों को कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं कट गया जल गया आप वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में ना बहुत सारे लोगों ना घमौरियां हो जाती है ना, तो आप उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे ड्राइनेस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके हाथ ना बहुत ज़्यादा सूख गया है तो आप वहाँ पे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पज़ ये प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आपको भी ये यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर क्लीन हैंड। ये एक सैनिटाइजर है, जब आप इसको यूज़ करते हो तो हमारे हाथों में जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज जो होते हैं ना वो खत्म हो जाता है बिल्कुल भी, और ये पूरा 100% नेचुरल और सेफ होता है। आप इसको कभी आप ट्रैवलिंग में अगर आप जा रहे हो तो आप इसको अपने साथ में ले जाओ। कई बार क्या होता है ना, हम ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे हमें पानी वगैरह नहीं मिलता और हमें कुछ खाने को रहता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो ना, इसको आप सबसे पहले हाथों में लेकर लगाने के बाद आप अगर कोई भी चीज़ खाओगे तो आपके मुंह में क्या है ना कि कोई भी बैक्टीरिया और जर्म्स नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एलो बॉडी वॉश। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, फॉरएवर एलो बॉडी वॉश। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे बॉडी को वॉश जब करते हो ना तो आपके बॉडी को ये नरिश करता है और आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं, जो आज तक आपने जितने भी सॉप वगैरह आपने यूज़ किया है उसकी सॉप के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं ना वो हमारे बॉडी के अंदर में चला जाता है, तो आपके बॉडी के अंदर से पूरे जितने भी केमिकल्स होते हैं उसको ये रिमूव करेगा, आपके स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको भी वो नरिशमेंट पूरी तरीके से अच्छे से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं कुल मिलाकर बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जब आप इससे नहाओगे ना तो आपका जो पूरा बॉडी है ना पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कंपनी का। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर एलो स्क्रब। ये एक तरह का स्क्रब है।
ठीक है। ये बेसिकली एलोवेरा जेल जोजोबा ऑयल से मिलाकर बनाया गया है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रब है। हम मार्केट जाते हैं कहीं ना कहीं स्क्रबिंग कराने के लिए, तो काफी ज्यादा वहां पे पैसे भी लगते हैं और हमें हमारी स्किन को कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है। बट जब हम फॉरएवर के एलो स्क्रब को हम यूज करते हैं तो ये हमारी स्किन के जो थर्ड लेयर से जाकर ना हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ठीक है, हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है। हमारा एलो स्क्रब आर3 फैक्टर का भी काम करता है। आर3 फैक्टर का मतलब होता है हमारी स्किन में नए नए सेल्स को भी रिजनरेट करता है और हमारी स्किन में जो मरे हुए सेल्स होते हैं उसको भी रिमूव करता है और जो अनहेल्दी सेल्स होते हैं उसको भी रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। जब आप इसको यूज करोगे तो आपका जो स्किन है पूरी तरीके से मॉइस्चराइज हो जाएगा और सॉफ्टनेस और ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा आ जाएगी जब आप इसको यूज करोगे, ठीक है। दूसरी चीज इसके बेनिफिट ये है कि जब आप इसको यूज करते हो तो आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। अगर आपका स्किन ऑयली है या ड्राई है उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आप इसको डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम मार्केट में जाकर ना कभी भी हम डेली बेसिस पे स्क्रबिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो केमिकलाइज होता है, ठीक है। बट हम इसे हम डेली बेसिस पे हम स्क्रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एलो एमपीडी की बात करें तो एलो एमपीडी एक कंप्लीट डिटर्जेंट है। इसको हम मल्टीपर्पज डिटर्जेंट भी बोलते हैं क्योंकि हम इसे बहुत सारी चीजों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फास्फोरस फ्री भी होता है। फास्फोरस फ्री का मतलब क्या होता है कि इससे ना हमारे हाथ भी नहीं ठिठुरेंगे। आपको पता होगा मार्केट के जब हम कोई भी डिटर्जेंट हम यूज करते हैं ना तो उसको यूज करने के बाद क्या होता है, हमारे हाथ ना ठिठुर जाते हैं, राइट। आपने गौर किया होगा क्यों ठिठुर जाते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस होती है जिसकी वजह से ना हमारे हाथ ठिठुर जाते हैं, ठीक है। बट एलो एमपीडी में कोई भी फास्फोरस नहीं मिलाया गया जिससे हमारे हाथ भी नहीं ठिठुरते। अगर मैं एलो एमपीडी के बेनिफिट्स की बात करूं कि हम इसे कौन कौन से जगह में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज तो आप इसे लॉन्ड्री और फ्लोर क्लींजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम अपने कपड़ों को भी धो सकते हैं। अगर हम इससे अपने कपड़ों को धोते हैं तो हमारे कपड़ों की ना जो चमक है वो हमेशा बरकरार रहती है, कपड़ों की चमक भी नहीं जाती, ठीक है। आप इससे बर्तन भी धो सकते हैं। इससे बर्तन धोने में फायदा ये होगा कि आपने गौर किया होगा जब हमारे घर में कोई मार्केट के डिटर्जेंट से जब हमारे बर्तन धुलते हैं तो आपने देखा होगा धोने के बाद भी ना उसमें वो डिटर्जेंट जो है ना उसमें लगा रहता है, राइट। लेकिन अगर हम इससे अपने घर के बर्तन को धोते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का धोने के बाद ना कोई भी उसमें आपको गंदगी नहीं दिखेगी, राइट। इसको हम ग्लास और मिरर को भी क्लींजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम इससे अपनी कार और बाइक को भी धो सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे कार और बाइक की जो चमक है ना वो कभी नहीं जाएगी। होता है क्या, हम मार्केट है ना कोई भी शैम्पू वगैरह से ना हम अपने कार और बाइक को धोते हैं जिससे क्या होता है ना उसकी चमक चली जाती है, ठीक है। अगर आप इससे धोते हो तो हमारे कार और बाइक की चमक भी नहीं जाएगी, ठीक है, और उसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगी। एलो एमपीडी को हम टॉयलेट क्लींजर के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे अपने घर के टाइल्स को भी साफ कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि हमारे फर्श पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है ना उसको भी वो खत्म कर देगा। आप इससे अपनी ज्वेलरी क्लींजर के रूप में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने खेतों वगैरह में आप इससे छिड़काव कर सकते हैं कीटनाशक जगह। इससे क्या होगा कि एक ना नेचुरल आप ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं अगर आप इसको मतलब कीटनाशक की जगह अगर आप इसका छिड़काव करते हैं, ठीक है। अगर आपने घरों में फ्लावर्स लगाए हुए हैं तो आप अपने फ्लावर्स में भी ना इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने गौर किया होगा कि हमारे घर में जो भी पौधे वगैरह लगे होते हैं ना उसमें कीड़े मकोड़े बहुत सारे लग जाते हैं, तो अगर हम इससे स्प्रे करते हैं ना तो वो कीड़े मकोड़े भी खत्म हो जाएंगे और उसमें कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगेगा, ठीक है। आप इससे अपने पेट को भी आप एज अ शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में डॉगी है या किसी भी अगर आपने कोई जानवर को पाल रखा है ना, जैसे घर में गाय होती है ना, तो हम उससे अगर हम धोते हैं तो क्या होगा, आपने गौर किया होगा कि हमारे घर में जो पेट होते हैं ना उनके बॉडी में बहुत सारे ना कीड़े हो जाते हैं, राइट। अगर हम इससे धोते हैं तो उनके बॉडी से जो भी कीड़े होंगे छोटे मोटे वो सारे के सारे कीड़े को निकालकर बाहर कर देगा, ठीक है। तो आप एज अ पेट शैम्पू के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एलो एमपीडी का यूज फ्रूट और वेजिटेबल्स को धोने में भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है मार्केट से हम जब कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो उसके ऊपर ना बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एलो एमपीडी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर धो देंगे तो इससे फायदा ये होगा कि उसके ऊपर जो भी केमिकल्स होंगी वो ना वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको खाना वगैरह बना सकते हैं और आप फ्रूट्स को भी खा सकते हो, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको कॉलिन की जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता होगा कॉलिन को हम बहुत जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। आप उसकी जगह पर आप इसका इस्तेमाल करो। आप इससे अपनी टीवी को भी साफ कर सकते हो, अपने फ्रिज को भी साफ कर सकते हो, घर में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, साफ करने की, आप वो सारी चीजों को आप एलो एमपीडी के थ्रू साफ कर सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा भी बचेगा और घर में सिर्फ एक डिटर्जेंट से आपका सारा काम हो जाएगा, राइट। सोचो कितनी अच्छी बात है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें होता है स्टेबलाइज एलोवेरा और इसमें होती है MSM, इसमें होती है उर्सी लीफ एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है, इसमें टी ट्री लीफ का भी एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है, रोजमेरी लीफ का भी एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है एंड विलो बैक एक्सट्रैक्ट भी मिलाया गया है, राइट। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो जितने भी तरह के एनालजेसिक इफेक्ट होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बॉडी पेन पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो आप इसको MSM के साथ में आप यूज करके बहुत अच्छा आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप इसको कोल्ड कफ और साइनस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे स्टीम कर सकते हैं पानी में डालकर, आप इसको मसल पेन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडेक में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक पेन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इल्बो में भी अगर पेन हो रही है वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, निक पेन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नी पेन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मेंस्ट्रुएशन पेन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप किसी भी तरह के पेन अगर आपके बॉडी में हो रही है तो आप उस जगह पे आप एलो हिट लोशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके और बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं
हैं फॉरएवर का MSM जेल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत अच्छा है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से किसी भी तरह के अगर आपके बॉडी में दर्द है या पेन हो रही है तो वो उस पेन को ना खत्म कर सकता है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है फॉरएवर का। सो आई होप आपको ये सारे प्रोडक्ट के फायदे आपको अच्छे से पता लग गया होगा और आपने नोट्स भी जरूर बनाया होगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया ना तो इस वीडियो को फिर से देखो और नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो अभी जो आपने एक घंटे की वीडियो देखी है ना ये आपके माइंड से निकल जाएगा विद इन 24 आवर्स। अगर आप नोट्स बना लोगे तो आप उस नोट्स को हमेशा पढ़ सकते हो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। और अगर आपने 2cc लेवल को कंप्लीट कर लिया है तो मैं अभी आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप जरूर देख लेना क्योंकि इसमें मैंने ये बताया कि 2cc के बाद क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, टिल द टाइम थैंक यू सो मच।